नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। तमिलनाडु के विरुधुन नगर के सत्तूर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 लोगों के मरने की आशंका। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हादसा, अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, सेना के जवान शहीद। दिल्ली आईजीआई टर्मिनल 1 पर अभी तक शुरू नहीं हुई फ्लाइट्स की आवाजाही। दिल्ली में वसंत विहार में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट से फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाले 2 मजदूरों के शव। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने दाखिल की 9वीं चार्जशीट, विनोद चौहान को बनाया आरोपी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में प्रोटेस्ट करेगी आम आदमी पार्टी। पीएम आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं, सोनिया के लेख में नरेंद्र मोदी पर हमला। सिपाही भर्ती के बाद आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ की चार्जशीट तैयार, रवि अत्री का भी नाम। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी एनडीए। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।